Rajpur field supplier, PCRET region office Karachi. हम खासतौर पर उन इलाकों में काम करते हैं जहाँ गैस नहीं है। अगर किसी के पास 3-4 जानवर है तो छोटी फैमिली के लिए ये 5 क्यूबिक मीटर प्लांट जो है लगा सकते हैं, जिसमें 24 घंटे के लिए खाने पकाने के सुबह दोपहर शाम तक जो इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद जो वेस्टेज होता है जो निकलता है उसका गैस बन के गोबर, तो वो जो है आप फर्टिलाइजर तौर पर बहुत कीमत ही हुई, यानी 4 गुना नाइट्रोजन उसमें बढ़ जाती है। तो ये बहुत आसान होगा, सोलह तरीके से बन सकता है। जहाँ जहाँ सीमा लाया जाता ना हो तो वहाँ जो है, तो इसके थोड़ा सा बताइए क्या क्या स्ट्रक्चर। ये जो है ये डाइजेस्टर, ये समझ लो कि इंतजामन ये 10 फुट गहराई पे जमीन में चला जाए 2 फुट का, ये 12 फुट का होगा, जो 5 फुट आया इसमें ये गैस होल्डर पड़ता है, ये 4 फुट तक चल लग जाता है। जो गैस बनती है वो गैस होल्डर में आती, गैस से वो 3 फुट हो गया, जब इस्तेमाल करेंगे तो ये नीचे चला जाता है। आप फिर डेली जो है इसमें जब डालते रहेंगे तो पुराना वाला ये इधर से निकलता जाएगा। इस तरह डेली कितना गोबर डालना होता है? डेली अगर 5 क्यूबिक का है तो तकरीबन 100 kg डेली डालना पड़ेगा, मिक्स करके पानी के पानी, यानी 100 किलोग्राम और गोबर है 100 किलोग्राम ही पानी, इतना ही पानी था। अच्छा, और कितनी गैस बनती है? ये 5 क्यूबिक मीटर 10-15 अफराद के लिए आपका खाना, 3 टाइम का खाना बन जाता है। और इसमें क्या जमा होता है? इसमें जो है जो गोबर गैस बन के जो है तो जो डालेगा वो पुराने इस तरफ निकलता है, ये समय खाद आपकी बनती जाए, इसमें 4 गुना नाइट्रोजन। इसकी कॉस्ट कितनी आती है? इसमें तकरीबन 75,000 तकरीबन आती है।